हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण मिश्रा। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट नोटिफाई की है। टोटल अगर आप पोस्ट देखेंगे, टोटल 22 पोस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। हायर जुडिशरी के लिए 22 पोस्ट देखने को मिलेंगी आपको, जो कि पे मैट्रिक्स आपका 13A है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन कहाँ फॉर्म सबमिट करना है वो आपको झारखंड हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.jharkhandhighcourt.nic.in पे है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की है वो आपकी 18 अप्रैल है। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, 18 अप्रैल लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन देखें तो क्वालिफिकेशन में देखिए, LLB डिग्री होनी चाहिए आपके पास। एज क्राइटेरिया की बात करें, आपकी मिनिमम एज 35 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 45 ईयर्स हो। ठीक है, मिनिमम एज 35 ईयर्स, मैक्सिमम 45 ईयर्स। वो कब डेट काउंट होगी आपको, 31 जनवरी 2021 से। और अपर एज की बात करें तो रिलैक्सेशन 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, लेकिन वो अपर एज का रिलैक्सेशन याद रखिएगा। तो अपर एज अगर आप बात करें SC और ST कैटेगरी के लिए तो वो 48 ईयर्स होगी। इसके बाद आपको 7 साल से भी ज़्यादा की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट कॉपीज आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा साथ में। और क्या क्या होगा, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि आपका मेट्रिकुलर्स और ऑनवर्ड्स की बात करें, 10th के बाद की जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, 10th से स्टार्ट करके 10th 12th LLB की डिग्री आपको सबमिट करनी होगी। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की कॉपी, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस एट बार, ठीक है, 7 साल का एक्सपीरियंस की बात करते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, कोई भी आप सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ के लिए आप क्या करोगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर दैट द कैंडिडेट पोजेस साउंड हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। ठीक है, और अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उस केस में भी आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सिलेबस की बात करें तो प्री एग्जाम अगर आप देखेंगे, 100 नंबर की वेटेज रखता है एग्जाम। यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होगा और 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप देखें, प्री का सिलेबस बहुत छोटा सा है, ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं इंक्लूड किए गए हैं। जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, CPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और IPC। ये आपके सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई भी लोकल एक्ट्स नहीं है। आपको जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज के नॉर्मली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी सारे आपका लॉ के ही हैं। मेंस एग्जाम में बात करें तो पेपर 1 जो है, मेंस एग्जाम में पेपर 1 वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट आपका लैंग्वेज का है, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एसे राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, प्रिपरेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा पूछा जाएगा, जिसकी वेटेज 50 नंबर होगी। सेकेंड पार्ट जो फर्स्ट पेपर का ही होगा, वो आपका प्रोसीजर लॉ है, जिसमें प्रोसीजर लॉ में CRPC और CPC है, लॉ ऑफ एविडेंस है और लॉ ऑफ लिमिटेशन है, जिसकी वेटेज 50 नंबर है। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका 100 नंबर का, जिसमें इंग्लिश और प्रोसीजर लॉ पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपको पेपर जो है वो सब्सटेंटिव लॉ का पेपर है, सेकेंड पेपर, 100 मार्क्स वेटेज। 2 ही पेपर होते हैं याद रखिएगा, इसमें मेंस में 2 ही पेपर होंगे और वो सेम डे होते हैं। ठीक है, 3 3 घंटे का पेपर होता है। आप सिलेबस देखें तो देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IPC, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स आता है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लॉ रिलेटेड टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम्स की बात करते हैं, ज्यूरिसप्रूडेंस पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, संथल परगना टेनेंसी एक्ट आता है, फिर आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, अलग अलग 2 एक्ट हैं टेनेंसी एक्ट के। फिर प्रोडक्शन पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ करप्शन एक्ट आएगा आपका, SC NST एक्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आता है, और लास्ट आपका NDPS एक्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, 2 ही पेपर होते हैं आपके मेन्स एग्जाम में। इंटरव्यू आपका 40 मार्क्स का वेटेज का होता है। ठीक है, जो आपकी मेरिट बनती है वो आपके मेन्स और इंटरव्यू मार्क्स के बेसिस बनेगी। 200 नंबर अगर आप देखें मेन्स के लिए हैं, प्लस 40 नंबर आपके इंटरव्यू, तो 240 में से आपकी कट ऑफ बनने वाली है मेरिट। ठीक है, वे ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी ऑफिशियल, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 1000 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस आपके जनरल अदर्स के लिए है, और 500 SC और ST कैटेगरी के लिए। लास्ट डेट याद रखें, 18 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर आप भी PCSJ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। यूज करें आनंद सर लाइव कोड, जिसमें 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। प्राइस हाइक होने वाले 1 अप्रैल से आपको प्राइस हाइक मिलेगा, 15% प्राइस हाइक होगा। जैसे आप 24 मंथ्स का प्लान देख सकते हैं, 55,000 का था जो कि 63,250 हो जाएगा। कोड यूज करें आनंद सर लाइव, 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स की बात करें तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे आपको। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट होकर कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। कोर्सेज आपका टाइमली कंप्लीट किया जाता है, स्टेट वाइज फोकस किया जाता है, प्लस आपको PDF फॉर्म में नोट्स भी मिल जाते हैं। डिफरेंट बैचेस मिलते हैं, जिसमें आप MPCJ, MP सिविल जज प्री और MP मेन्स के लिए आप प्रिपरेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 6 महीने बैच
बैच का टेन्यूर है, 16 मार्च से ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, इसी बैच को इनरोल कर सकते हैं आप लोग। शुभम उपाध्याय सर मिलेंगे आपको इस बैच में, शुभम द्विवेदी सर हैं, दिवाशीष पांडे सर, अर्चिता चतुर्वेदी मैडम। इसके बाद आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है जिसे आप अनलॉक कर सकते हैं आनंद सर लाइव कोड यूज करके, जो कि मंडे को आईपीसी, ट्यूजडे को सीआरपीसी, वेनेसडे को सीपीसी, थर्सडे को एविडेंस एक्ट, फ्राइडे टीपी एंड कॉन्ट्रैक्ट, सैटरडे कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम की बात करें तो आपको 30 प्लस बैचेस मिल जाते हैं यहाँ पे, आप सारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो आपको स्ट्रेट फोकस करना है, जिस फैकल्टी से आपको पढ़नी है वो क्लासेस आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऐसा एक बैच से आप ज्वाइन कर पाएंगे, सारे बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इसके लिए। वन टू वन लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम की बात करें जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है, जिसमें आप मेंटोर के अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं, आप लोग अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम स्ट्रेटजी पे डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं आप लोग अपने टाइम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मेंस की टेस्ट सीरीज फोकस की जाती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, ठीक है, जहाँ पे आपको लाइव डाउट सॉल्विंग एडुकेटर्स मिलते हैं, सारे बेनिफिट्स आपको प्लस क्लासेस के मिल जाते हैं। ये है प्लान, सब्सक्रिप्शन प्लान जो कि इंक्रीज होने वाला है, 1 तारीख से 15% हाइक होगा, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं। 55,000 का प्लान है, 10% ऑफ के बाद ये पड़ेगा आपको 49,500, ठीक है। ईएमआई ऑप्शन आपको 6 महीने, 12, 18 और 24 महीने का प्लान पे मिल जाता है। इसका आप जुड़ सकते हैं हमसे, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं आनंद मिश्रा 10 के नाम से, और अनअकैडमी के जुडिशरी चैनल पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं।